वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी फिलहाल सुबह के 9:30 हो रहे हैं, नाश्ता वगैरह हो गया और आज मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी तबीयत बहुत 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 हद तक बेहतर है। कुछ नहीं लग रहा है अंदर से, कुछ भी नहीं, वीकनेस भी नहीं लग रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जैसा कल लग रहा था कि काम, मतलब फीवर नहीं भी था तो बदन हाथ में दर्द की तरह लग रहा था, सर भारी भारी लग रहा था, लेकिन आज तो खैर फीवर है भी नहीं और वैसा फील भी नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा, मतलब ठीक नॉर्मल एकदम लग रहा है। और बस अब लेकिन थोड़ा सा, बस इतने दिन 4 दिन तक फीवर रहा है तो थोड़ा सा चेहरे पर थोड़ा चेहरा बीमार की तरह हो गया है। बट सोके वो सब अब 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा। खैर फीवर बस आज नहीं है क्योंकि अभी तक तो फिलहाल एकदम सही है। और बस इतने दिन से सोचते सोचते रोज़ सोच रहे थे बेडशीट चेंज करना है, ये करना है, इतना सारा काम सब टले जा रहा था तो आज उधर का सारा बेडशीट चेंज किया है, अपने रूम का नहीं किया है। हिम्मत छोड़ दिया कि फिर इसको भी करो तो फिर इसको भी उठाओ बिछाओ तो ज़्यादा हो जाएगा एग्जर्शन, फिर कहीं ना फीवर आ जाए, डर लगने लगा तो उधर का कर दिया, इधर का छोड़ दिया, इधर का कल करेंगे धीरे धीरे। अभी एकदम ज़्यादा नहीं शुरू कर रहे हैं कि पता नहीं कहीं फिर वापस फीवर ना आ जाए, लेकिन अभी हलक में थोड़ा थोड़ा सा है, मतलब दर्द वैसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा टॉन्सिल लग रहा है कि है बढ़ा हुआ थोड़ा सा, लेकिन खैर वो तो खैर अब धीरे धीरे ठीक होगा। बस फीवर आ जाता है ना तो उसकी वजह से जो उतरता था तो फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती थी, लेकिन अब ठीक है, आज अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है। और बस बैठे हुए अभी फिलहाल नाश्ता वाश्ता करके सोचा कि चलो अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपने तबीयत के बारे में भी बता देते हैं कि ठीक है। कल तक तो फीवर आया था, कल शाम तक, लेकिन आज एकदम सही है, अभी तक कुछ भी नहीं आया है। और आरिस भी स्कूल गया और फिर अब देखते हैं कल क्या रहता है। कल तो सैटरडे है तो कल हो सकता है ऑफ ही रहे क्योंकि मंडे से इसका यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए हो सकता है कल स्टडी लीव मिले, तो खैर वो तो आज पता चलेगा। और अभी फिलहाल 5:30 हो गया है और आज जा रही है बालकनी, अभी खोल देते हैं क्योंकि आज आरिस के सर भी आएंगे तो अभी खोल देते हैं। और थोड़ी देर पहले अच्छी खासी थोड़ी बारिश भी हुई है तो बाहर का मौसम कुछ बेहतर हो गया है और अच्छा भी लगेगा यहाँ पे, खोल देंगे तो फिर। अभी तो फिलहाल आरिस सोया हुआ है, उठेगा अभी 5:30 ही हो रहा है तो 15-20 मिनट के बाद उठाएंगे तो सर तो वही 6:30 आसपास आएंगे। आज खोल देते हैं इधर, लेकिन बारिश हुई बहुत, बादल भी गरजा 3-3:30 के लगभग में, लेकिन धूप फिर अच्छी खासी निकल गई है, लेकिन ठीक है वैसे उमस वाली बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। और आज ये वाला प्लांट भी जो बेला का पेड़ है ये भी काशिप लेकर के आए थे तो आज लगा है, इसमें 2-3 दिन पहले ही लेकर के आए थे तो आज लगा दिया है ये वाला भी। और ये तो फिर बहुत अच्छी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी तो फिलहाल आज लगा ही है, कली है इसमें, देखें ये सब खिलता है कि नहीं, और लग जाए तो खैर ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला, इसकी खुशबू, बेला का फ्लावर जो होता है ये बड़ा अच्छा लगता है। और आज इसकी ये वाली चेयर भी वहां पे रख देते हैं। और अब सही है, यहाँ पर बैठ करके सर से पड़ेगा, सर इस सोफे पे बैठ जाएंगे और आरिस इधर बैठ जाएगा, अब सही है। और हो गया, खोल दिया बालकनी, वैसे अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठा है थोड़ी देर। आरिस अभी सोया हुआ है, जा रहे हैं उसको भी उठाएंगे, सुबह में ब्लॉग स्टार्ट किया उसके बाद फिर कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया, फिर इधर उधर काम में बिजी हो गए थे। और बस फिर दोपहर में आरिस सोया तो अभी थोड़ी देर सो लिया, और सोया क्या बस ऐसे ही लेटा, नींद तो आई नहीं कोई खास, बस थोड़ा देर लेटा है। और लेकिन फिर देखा कि नहीं अब आएंगे आरिस के साथ तो दरवाज़ा दरवाज़ा खोल देते हैं और जा रहे हैं, बारिश को भी उठाएंगे। और ये वाला जो दाना हो गया था ये भी सूख गया है एकदम, रेड रेड कलर का हो गया है यहाँ पर, तो ठीक ही है सूख गया, 1-2 दिन में सही होगा, थोड़ा थोड़ा सा अभी है, हल्की तकलीफ है थोड़ी सी। और खैर आज अभी तक फीवर नहीं आया, सुबह में भी नहीं आया था, अभी भी चेक किया अभी भी नहीं आया, तो लग रहा है कि अब आज से ठीक सही हो गया है, अब नहीं आएगा। और कल खैर कल आरिस का स्टडी लीव है, छुट्टी मिली है कल और परसों, कल तो सैटरडे है तो कल भी छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है, मंडे से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है यूनिट टेस्ट। और बस अब चलते हैं, जा रहे हैं, टाइम हो रहा है तो आरिस को सबसे पहले आरिस को उठा देते हैं, सोया हुआ है, उठेगा थोड़ा फ्रेश व्रेश होगा उसके बाद फिर सर आएंगे, वरना अच्छा सर आ जाए उसके बाद उठाएंगे तो आधे नींद में ही रहेगा वो। पूरे आसमान में कहीं पर भी बादल नहीं है और इतना सारा बादल का टुकड़ा एक
यहाँ पर से नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ के पीछे पहाड़ है, पहाड़ नजर आ रहा है। देख करके ऐसा फील हो रहा है जैसे लग रहा है कि पेड़ से हल्का हल्का पहाड़ नजर आ रहा है, और इतनी ज्यादा रोशनी हो रही है बादल के बीच में, एकदम अजीब लग रहा है कि बहुत ज्यादा एकदम तेज उधर से सूरज की रोशनी लग रहा है कि डायरेक्ट बादल पे पड़ रही है उस तरफ से, और एकदम चमक रहा है बादल, और नीचे लग रहा है कि पानी है और पेड़ के बीच से नजर आ रहा है, और पूरे अब आसमान में कहीं पर भी कोई बादल नहीं है, एकदम क्लियर है। और यहाँ पर इतना बड़ा टुकड़ा बादल का आ गया है और पेड़ के पीछे से नजर आ रहा है, और चाय भी बन गई है। तो सबसे पहले सर को चाय दे देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग लेंगे, बारिश तो पड़ रहा है अभी सर से, और चाय सर के लिए कुलचा और लहर भुजिया निकाल दिया है। सबसे पहले सर को चाय दे करके आते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे। और आरएस क्या हाल चाल है? सही हो? और ट्यूशन पढ़ लिया सर से? और अभी क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर। और क्या 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 लिए हुए हो हाथ में? अच्छा, ये वाली पेन कहाँ से आई? दोस्त से मंगवाए हो? अच्छा, ये वाला इस टाइप का कैसा है? देखे इस टाइप में ये लिखो फेंको है ना, इसमें पेन तो मतलब ये खत्म होगा तो फिर इसको फेंक दो, ऐसा वाला है। हम लोग के पास भी, हम लोग भी ये वाला ऐसा यूज करते थे। और तुम्हारा तो इतना बड़ा है ना, मेरा और हम लोग ना और बड़ा रहता था, इतना बड़ा और इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो, इतना लंबा रहता था। ये ऐसे है ना, पकड़ो यहाँ से, ये इतना लंबा रहता था इतना, और थोड़ा मोटा, ये पतला है। हम लोग के मेरे पास भी था, हम भी खरीदा था, लेकिन ये एकदम बेकार होता है, ये लिखने में एकदम नहीं बनता, ये बस ऐसा ही एक खरीद लो बस शौक के लिए, लेकिन इससे लिखने में हैंड राइटिंग एकदम नहीं बनती है। ये बॉल पेन है, जेल नहीं है, ये बॉल होता है, बॉल पेन रहता है, लिखो फेंको, हम लोग के पास भी था, और थोड़ा मोटा होता है। हाँ, ये तुम्हारे पास तो पतला है ना, हम लोग के पास थोड़ा मोटा था। मेरे पास कुछ तो और नहीं लिखा है। कुछ नहीं, कोई यूज का था ही नहीं, बस ऐसे ही फालतू, बस ऐसे ही शौक है, खरीद लिया था। तो दोस्त तुम्हारा कहाँ से लेके? उसके दुकान के घर के पास दुकान है, वहीं मिलती है। 5 किलोमीटर उसके घर से 5 किलोमीटर दूर। अच्छा, और क्या? चलो पढ़ो, कंप्यूटर याद कर रहे हो ना? हाँ। चलो पढ़ाई करो। तो और बस हो गया, खाना पीना खा लिया, और अभी तक ये खाली ही नाच भी नहीं रखा है, सोचा था कि ये सब उठा करके धूप धूप में लगा दिया है, और सब रखना था दीवान में, लेकिन अभी तक यहीं पे रखे हुए हैं, दीवान खोलना है, सब रखना है, तो खैर आज तो नहीं वाप कर लूँगा। और बस खाना खा लिया है और अब इस ब्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।